नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोस एकेडमी डेहरी ऑनसन में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैग्नेटिक माने चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या हम करते हैं, जो मैग्नेटिक ओर्स होते हैं उसे पीसकर पाउडर ओर बढ़ा लेना है पाउडर के रूप में, और उस पाउडर ओर को हम लोग मैग्नेटिक रोलर पर गिराते हैं। तो मैग्नेटिक रोलर पर गिराने पर तो वह जो फोर्स जो होंगे वो आपका उसका मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो होंगे रोलर की ओर अट्रैक्ट होंगे और उसके नजदीक गिरेंगे, जबकि नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो होंगे वह रोलर से दूर जाकर गिरेंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक रोलर बना लिए, फिर कॉन्वेयर बेल्ट ले लिए, इस पर लगा दिया गया, फिर यहां से हमारा ओर हो गया मैग्नेटिक पाउडर्स ओर। तो कहता है कि जब मैग्नेटिक पाउडर्स ओर को हम लोग इस मैग्नेट कन्वेयर बेल्ट पर गिराते हैं तो यह घूमते हुए आएगा, इस तरह घूमेगा आपका, और यह इधर जाएगा ऊपर की ओर, यह घूमते हुए आएगा। यह जो बेल्ट जो है जब यह इधर आगे की ओर बढ़ती है तब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाती है कमजोर होती जाती है। तो जब यह ओर्स जो है यहाँ तक आपका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा, और जब जब धीरे धीरे जाएगा दूर वह मैग्नेटिक फील्ड आपका कम होते जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो उस केस में जो ओर्स जो होती है यह हमारा रोलर के नजदीक जाकर गिरती है, यह हमारा स्थिति में बर्तन में, और यह जो नॉन मैग्नेटिक और पार्टिकल्स होंगे वह रोलर से जाकर दूर गिरती है। तो इस केस में इस प्रोसेस के अंतर्गत इसका यूज हम लोग ओर्स और गैग जो होंगे वह मैग्नेटिक होंगे, या तो ओर आपका मैग्नेटिक होगा या फिर गैग पार्टिकल्स होंगे वह हमारा मैग्नेटिक होना चाहिए। तो मैग्नेटिक कोर्स में वोल्फ्रामाइट टंगस्टन का यूज करते हैं, जबकि मैग्नेटाइट अर्थली इम्प्यूरिटी सॉइल मिट्टी विषम जो है वह हमारा इम्प्यूरिटीज हो जाती है उसमें। इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या होता है कि मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो होते हैं वह नियर जाकर अट्रैक्ट होंगे और फिर मैग्नेटिक रोलर के नजदीक जाकर गिर जाती है। थर्ड केस में क्या होता है कि जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है वह रोलर से दूर जाकर गिरेगी, फॉल अवे फ्रॉम द रोलर, यह आपका मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस हो गया। इस प्रकार मान लेते हैं आपको दे दिया जाए ओर्स दे दिया जाए, तो हम कैसे जानेंगे कि यह मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक है। तो उसके लिए क्या करिए, मैग्नेट उसके नजदीक ले जाएंगे तो मैग्नेट की ओर जब अट्रैक्ट होने लगेगा तब जान जाइए ना है यह हमारा मैग्नेटिक फोर्स है। तो उस केस में क्या कर देना है, उसको पाउडर बना लेना है, उसको पीस देना है, और पीसने के बाद उसको पाउडर जब बन जाता है तब उसको हम लोग मैग्नेटिक टैग कहिए या कन्वेयर बेल्ट पर उसको हम लोग पाउडर को गिराएंगे। तो जो हमारा मैग्नेटिक पाउडर्स होंगे तो उस केस में वह कन्वेयर बेल्ट पर आगे की ओर बढ़ते जाएंगी, और बढ़ने के बाद जो हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे और साथ में उसमें इम्प्यूरिटीज होंगी, तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो होंगे वह हमारा रोलर यानी कि व्हील चक्का की ओर अट्रैक्ट होती जाएगी, आकर्षित होगी, और जो अचुंबकीय होंगे पदार्थ यानी कि नॉन मैग्नेटिक वह चुंबक से दूर जाएगी। तो इस केस में जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे चक्का के नजदीक गिर जाएंगे और अशुद्धियां जो होंगी मिट्टी धूल का वह चक्का से दूर जाकर गिर जाती है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग आज का वीडियो इतना ही रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी करें, और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाना न भूले। इस तरह हम आपकी मैसेज का इंतजार करते हैं, और मैसेज भी करिए, कमेंट्स करिए, अगर आपको समझ में ना आए तो फिर से आप लोग इसको कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में भेज दीजिए, मैं आपका वेट करूंगा।